हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ परांठियाँ सिंपल। तो रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि उसी की परांठियाँ जो है बना लेते हैं। और जो सब्जी दाल है वो हमने रात को बनाई थी, पीली दाल, और उसमें आलू डाले थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो आप भी कभी बना के देखना, बिल्कुल खिचड़ी का जैसे टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसे आता था, आता मतलब कि आया था। और सुबह फिर मैंने सिंपल परांठी बनाई, तो परांठी के साथ भी जो पीली दाल है ना, तो वैसे तो जो फ्रेश दाल होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर रात की भी बनी हुई है उसको भी थोड़ा अच्छे से गर्म कर ले पानी डाल के, तो भी वो अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं परांठियाँ जो है बना रही हूँ, और हस्बैंड ने जाना है अभी ड्यूटी 10 बजे, तो मैंने फटाफट से पहले उठ के जो है नाश्ता प्रिपेयर कर लिया था ताकि उनको फिर खाने में लेट ना हो जाए। तो यहाँ पर आज मैंने ट्रायंगल शेप की जो परांठियाँ हैं वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ तो मैंने वैसे बना ली थी। फ्रेंड्स, तो दोपहर के बज रहे हैं 1, तो अभी हस्बैंड आने वाले हैं और मैंने नहा धो लिया है। घर का सारा काम टोटली हो चुका है और साथ साथ उन्होंने मुझे एक बुरी खबर भी दी है, तो बहुत बैड न्यूज़ है। तो अभी वो फिर से जा रहे हैं बॉर्डर 5 दिन के लिए बोला है। अभी मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि यहाँ से लोगों को भेज रहे हैं जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। वैसे तो यहाँ पर जो ना क्या बोलते हैं उसको, जो एक मतलब की बात है कि सब जो भी फैमिली लेके आता है तो उसको यहीं पे रखते हैं, बॉर्डर नहीं भेजते हैं। तो लेकिन अभी से ये रूल आ गया है कि जितने भी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बारी बारी से बॉर्डर भेज रहे हैं। तो मतलब कि सबकी ड्यूटी जो है हार्ड कर दी है, तो इनको वैसे बॉर्डर तो नहीं भेज रहे हैं, तो ये गेम में जा रहे हैं। अभी पता नहीं 5 दिन लगेंगे या कितने दिन लगेंगे, तो अभी घर पे आएंगे तो ये बात होगी क्योंकि इनको ड्यूटी पे ही कॉल आई थी। तो मुझे लग रहा था थोड़े दिन पहले से कि ये दूर जाने वाले हैं, तो मुझे ऐसे ना फील होने लगता है कुछ ना कुछ मेरे साथ अगर होना हो ना गलत या फिर सही, तो मुझे पहले से मतलब कि जैसे पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा फील होने लगता है, तो वो बात जो है सच में हो जाती है बाद में। तो अभी 1 बज गए हैं, तो सुबह हमने नाश्ता किया था। मैंने सुबह 4-5 परांठियाँ बना ली थी और एक परांठी मैंने अभी खाई, एक सुबह खा ली थी, बाकी 2 इनको दे दी थी सुबह। और अभी हमने देखते हैं क्या बनाना है। तो वैसे घर का जो मोस्टली राशन है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो लेके आना है दालें और मैगी वगैरह, तो वो सब भी फिर अभी लाना पड़ेगा। वैसे तो हम नहीं ला रहे थे क्योंकि हमने शायद अगले मंथ में जाना है पंजाब, तो इसलिए हमने सोचा था कि चलो थोड़ा थोड़ा राशन लेके आएंगे और साथ साथ में खा लिया करेंगे, अभी जमा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी 1 महीना रहना तो पीछे से ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो रहने देते हैं, लेकिन अभी मुझे जमा करके रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कोई भरोसा नहीं है कितने दिन लगेंगे कितने दिन नहीं लगेंगे। तो अभी ये आने वाले हैं तो देखते हैं कि कल मेरा दांत फिर से इतनी ज़्यादा परेशान में, क्योंकि जो ड्यूरिंग ये पीरियड चल रहा था, जो मतलब कि दांत की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसके लिए हम डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा वेट करें अभी, तो अभी हम दांत नहीं निकाल सकते। जो उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दी थी वो भी माइल्ड सी दी थी, तो अभी 5 गोलियां मतलब 5 दिन की टेबलेट्स हैं जो कि वो प्रोसीजर होता है दांत निकालने से पहले खानी है, वो खा के फिर दांत निकाला जाएगा। और कल सुबह मेरा इनके होते ही इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा, तो 3 घंटे लगातार मैंने जो एक्सट्रीम लेवल की पेन होती है वो बर्दाश्त की और 2 टैबलेट्स खाई, फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो और इतनी दर्द हो रही थी कि मैं तो रोने लगी थी। अभी भी हल्की हल्की पेन है, मतलब अभी तो कंटिन्यूसली ऐसे कि जैसे कोई मतलब इंजरी हो गई हो अंदर या कोई जख्म हो बन गया, इस तरह से है पूरी, पीछे से ना यहाँ से लेके पीछे सर तक जा रही है। तो अभी देखते हैं, अगर ये चले गए फिर तो मुश्किल है पीछे से आना जाना बाहर दिखाना, कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, देखते हैं, नहीं तो फिर आजकल में दांत जो है निकलवाना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरा जो दांत है ना
वो एक्स्ट्रा निकला हुआ है जो दाढ़ होती है पीछे, और उसके ऊपर जो हमारी माउथ की स्किन होती है उसने पूरा उसको कवर कर लिया है, तो शायद उस वजह से पेन हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो पानी है सुना है कि बहुत गंदा है, जिसकी वजह से लोगों के दांत जो है पेन करते हैं, सबके ही मोस्टली कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाकी देखो अभी आगे क्या होता है। तो मिलते हैं फिर। तो दोपहर के भी 3 बज रहे हैं और मेरे पेन फिर से स्टार्ट हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं फिर से डॉक्टर के पास, तो देखते हैं कि आज दांत निकालते हैं या नहीं। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो अभी हम डॉक्टर चेंज भी कर रहे हैं, तो मैंने पुरानी स्लिप भी ले ली है। तो हमने जो डॉक्टर है वो चेंज किया, तो वहाँ से पहले बाहर से हमने पूछा, क्योंकि वो भी एक छोटा सा क्लिनिक ही था, तो काफ़ी पुराना सा था, उसका बोर्ड जो था उससे नाम भी उन्होंने हाइड करके रखा था, तो मुझे कुछ शक हुआ। तो फिर मैंने आसपास की एक शॉप से पूछा कि यहाँ ये जो डेंटिस्ट है कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक ठाक ही हैं, तो फिर मुझे समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने वहाँ पे फिर नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस था, जो विजिटिंग फीस होती है वो भी डबल थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने दो, वहीं पे चलते हैं जहाँ पे पहले गए थे। तो फिर हमने वहाँ से दिखाया, तो उन्होंने और मेडिसिन जो है चेंज करके दे दी है, तो 2-3 दिन बाद उन्होंने बोला है कि रूट कनाल होगा। तो लेकिन अभी ये तो जा रहे हैं, तो फिर हम शायद अभी पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए उनसे मेडिसिन ले ली है। तो अभी ये मुझे लेके आ गए थे इधर घुमाने के लिए मेन मार्केट, तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी ये यहाँ की जो मंडी है ना, दाल वगैरह वहीं से ले आते हैं, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम जो राजमा लेकर आए थे वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, 180 रुपये किलो आए थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो वहीं से बाकी दालें भी ले लेते हैं, और काफ़ी जो मंडी है काफ़ी बड़ी भी है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं, तो ये जो बैम्बू का सामान है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली मार्केट से सस्ता है, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं है। लेकिन ये जो थे जिनको मूड़े बोलते हैं, 600 का पेयर था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, 200-300 में महंगी हैं, तो लेने का मन ही नहीं करता। और आजकल कुछ बजट भी हमारा ऐसे चल रहा है, तो ये 350 की बता रहे थे ढक्कन वाली। और आगे फिर हम चल पड़े दाल की जो दुकान है उसको ढूंढने के लिए, तो बाई चांस हमें यहाँ पे जो दाल की दुकान है वो अच्छी मिल गई। और सोचने वाली बात ये थी कि जो वो जो दाल की दुकान है ना, वहाँ पे इतना रश और आसपास की दुकानें बिल्कुल खाली, तो ये है वो दुकान यहाँ से हम खरीदते हैं, या आज हम सेकंड टाइम आए हैं, तो यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और जब हम वापस आ रहे थे, जब हम आए थे एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुर्गियाँ मुर्गी मुर्गियाँ कैसे मतलब कि कैद करके रखे हैं। हम खा तो लेते हैं नॉन वेज, तो बट ये चीज़ें देख के मन जो है फिर बहुत मतलब खुद पे भी गुस्सा आता है, और लोगों पे भी कि हम क्यों ऐसे खाते हैं। पर ये जो हमारी जीभ है ना, हमारे खाने का लालच है, ये हमसे इस तरह के काम गलत हो जाए सही हो करवा ही लेती हैं। तो वैसे अभी हमने खाना कम कर लिया है, नॉनवेज वैसे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, घर में तो हमने कभी बनाया भी नहीं है, बाहर से ही ऑर्डर करते थे, तो आजकल तो वो भी बिल्कुल बंद है। तो ये सब चीज़ें देख के मन पिघल आता है, तो मन भी नहीं करता है फिर खाने को। और उसके बाद हम चल पड़े थे वापस घर के लिए, तो फिर उसके बाद इन्होंने जो है ड्यूटी भी जाना था। बाजार से आज हम समोसे बर्फी ये सब लेकर आए हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही पीसेस में मिलता है कि जिसके हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ता है। तो रात को इनकी 7 से 10 ड्यूटी थी, तो इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और अपना जो मेरा पेंडिंग काम था क्रिएटिविटी का वो कर लिया। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं ये भी ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।